नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीवनी शीतल टोंग से संजीवन गर्भ संस्कार के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। संजीवन गर्भ संस्कार यह चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेयर करें। आप यदि प्रेग्नेंट लेडी के हस्बैंड है तो यह वीडियो स्पेशली आपके लिए है। आज हम देखेंगे पति की जिम्मेदारी पत्नी के गर्भावस्था में। यदि आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है तो अभी आपको दो रोल अदा करने हैं, पहला पति का और दूसरा पिता का। अब जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है। घर में आने वाला बेबी नन्ना मेहमान खुशियां लेकर आ रहा है, इसीलिए आपको भी रिस्पॉन्सिबल पिता की जिम्मेदारी निभानी है। बेबी दोनों का होता है, लेकिन एक बार प्रेगनेंसी रह गई कि माता का रोल 9 महीने तक अहम होता है और तब पति बेबी के फ्यूचर के काम में लग जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ, यदि आप प्रेग्नेंट लेडी के हस्बैंड हैं तो आपने इन सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना है, समझना है। सबसे पहले तो आप कितने ही क्यों ना बिजी हो, आपको अपनी पत्नी के लिए और अपने बच्चे के लिए दिन में कम से कम 5 से 10 मिनट का समय जरूर निकालना है। उनको क्वालिटी टाइम आपको देना है। गर्भावस्था में स्त्री के शरीर में हार्मोन्स के कारण बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जिससे उसे कभी चिड़चिड़ापन, अकेलापन महसूस होता है, मूड स्विंग होता है, वह कभी बहुत खुश तो कभी नाराज होती है। आपको उनकी इन परेशानियों को समझना है और उसे समझकर दूर करने में उनकी सहायता करनी है। उन्हें यह एहसास दिलाए कि आप हर परिस्थिति में उनके साथ हैं। अपनी पत्नी के साथ डॉक्टर के पास चेकअप के लिए साथ में जाए। बहुत बार देखा जाता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों रहते हैं और दोनों भी जॉब करते हैं, तब पत्नी को अकेले ही चेकअप के लिए जाना पड़ता है। लेकिन तब ऐसे ना करते हुए उनके साथ आपको जाना चाहिए, इससे उसको मॉरल सपोर्ट मिलता है। गर्भावस्था में आप उनके साथ हैं, यह अनुभूति उन्हें होनी चाहिए। अपनी पत्नी को दवाइयाँ टाइम पर लेने के लिए प्रोत्साहित करें तथा व्यायाम प्राणायाम करने के लिए प्रवृत्त करें। आपके खुद के काम जितने आप खुद कर सकते हैं खुद कीजिए। गर्भावस्था में प्रेरणादायी किताबें दोनों मिलकर साथ में पढ़ें तथा संजीवन गर्भ संस्कार सेट भी आप मंगवा सकते हैं और अपने बेबी को गर्भ में ही सुंदर, सुदृढ़, तेजस्वी बना सकते हैं। नन्हे मेहमान के स्वागत की तैयारियां साथ मिलकर करें। उसके लिए कपड़े खिलौने खरीदने के लिए साथ में जाए। अपनी पत्नी को बाहर घुमाने के लिए लेके जा सकते हैं। अपनी पत्नी को वह खूबसूरत है यह एहसास दिलाए। और सबसे महत्वपूर्ण, रोज गर्भस्थ शिशु के साथ संवाद करें और घर का वातावरण आनंदी खुश रखें। धन्यवाद।